गुड मॉर्निंग यू गाइस, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं पांडाट यहाँ इन टेंट्स में ठहरा था। दिस ब्यूटीफुल कैंपिंग साइट जस्ट 3 किलोमीटर्स शॉर्ट ऑफ चंद्रताल। अब मैं यहाँ से रवाना होऊंगा फ्रॉम मनाली एंड कल बैक टू दिल्ली। दिस इज़ द लास्ट व्लॉग ऑफ दिस सीज़न, दिस पर्टिकुलर ट्रिप, दिस सीजन ऑफ द माउंटेंस, और मे बी नॉट, बट ये पर्टिकुलर ट्रिप का तो ये लास्ट व्लॉग है, तो बाकी बातें रास्ते से करेंगे। तो मुझे नहीं पता आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, रियर व्यू में वो पीछे कैंप साइट छोड़ दिया मैंने। अभी मुझे हाईवे पे जाने के लिए भी काफ़ी चलाना पड़ेगा, और वो दो ख़तरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग आने वाली हैं। सीधा उन वाटर क्रॉसिंग पे मिलूंगा मैं। गोप्रो ना कभी कभी चूतिया हो जाता है। बिल्कुल वाटर क्रॉसिंग से पहले मैंने सोचा था कैंप से निकल के सीधा वाटर क्रॉसिंग पे ऑन करूँगा। पहली वाली वाटर क्रॉसिंग वहाँ थी, मैं बटन दबाया, ऑन ही नहीं हुआ। फिर बैटरी निकाल के वापस डाली है तो ऑन हुआ है। जो डिफ़िकल्ट वाली वाटर क्रॉसिंग थी वो तो मैंने ठप करके एकदम से किल कर दी। अब आगे वाली वाटर क्रॉसिंग करेंगे। तो वो देखो कहाँ जाना है। और कल मेरे को लगा नहीं था कि मैं ऐसी ट्रिकी रोड से आ गया, मेरे को चंद्रताल की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। बट एज रोड प्रिटी प्रिटी ट्रिकी, और कोई बात नहीं, ट्रिकी रोड में एक ट्रिकी राइडर। तो ये देखो ये यहाँ पे कुछ कुछ रिसर्च भी करते हैं, बाद में पॉज करके पढ़ लेना उनकी कोई फाइट है। अब आई डोंट नो, देयर आर रूमर्स के चंद्रताल में बहुत सारी UFO साइटिंग्स हुई हैं, और साइंटिस्ट भी कुछ कुछ करते रहते हैं, बट देन यू कैंट बिलीव एवरीथिंग। द ग्रेविटेशनल पुल इज अननेचुरली हाई हियर, आई मीन अराउंड द चंद्रताल लेक। वाटर क्रॉसिंग आ गई है। बाय द वे वो इनोवा को जब मैं ओवरटेक कर रहा था तो मेरे को मौका नहीं मिला हाथ छोड़ के वो करने का, क्या कहते हैं, दूसरे को ऑन करने का, नहीं किया। वाटर क्रॉसिंग आई होप, अरे रोक के देखता हूँ गोप्रो ऑन है। हाँ ऑन है, चलो। गया पानी जीते में निकल आए। रियली जो टफ वाली वाटर क्रॉसिंग थी उसने इतना जूता नहीं भगाया भगाया था जितना इस वाली ने भगा दिया। तो दिस इज दी एग्जिट टू आवर साइट। सनू जाना थले, ऊपर काजा का रास्ता है। गाइस अगर आपने व्लॉग ठीक से देखा था, एक माता का मंदिर आया था जहाँ पे मैंने कहा था माता कृपा बनाए रखना। सोलो राइड टू स्पीति वाले व्लॉग में होगी ये फुटेज। एंड उसके बाद से मेरा GPS चलना शुरू हो गया था विदाउट इंटरनेट विदाउट एनीथिंग, एंड माय GPS हैज़ बीन वर्किंग एवर सिंस। गाइस दैट इज़ द टेंपल जहाँ से मेरे को ब्लेसिंग और कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ था। तो यहाँ रुक के माथा टेकना अब मस्त है। आप लोगों के भी दर्शन करवाऊँगा मैं। के दर्शन करके अब मैं यहाँ से रवाना होऊंगा। मैंने कुछ लोगों को बोला था पत्थर पर नेटवर्क आते हैं, तो मेरे घर वालों को मैसेज पहुँचा दिया जाए कि मैसेज ठीक है।
तो गाइस मुझे ये अजीब विचार आ रहा है कि क्यों ना डायरेक्ट दिल्ली मारा जाए। वाला नहीं ले पाया था ये कब, बहुत क्रेजी है। तो ये क्यूट से सेटअप में मैं दाल चावल और हाफ फ्राई खा रहा हूँ, और वो खा के मैं शायद फिर उसके बाद कैफ़े चलते चलते जहाँ हम रुके थे ट्रिप से पहले वहाँ तक फिर कोई ब्रेक नहीं लूँगा। आई ट्राई दैट आई पी ऑल्सो सो दैट आई डोंट स्टॉप फॉर दैट। दैट इज़ व्हाट माई फूड लुक्स लाइक। चलो वापस सड़क से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से चलते हुए नहीं दिखाऊंगा मैं, प्रॉबेबली अब अच्छी सड़क से ही कनेक्ट करेंगे। बाय। वापस से अटल टनल रॉयल इनफील्ड। यस सर। ये खाली है? हाँ, पेट्रोल नहीं है। नहीं है ना। चलो थैंक यू बाय। तो गाइस आई एम एट चलते चलते होटल एंड कैफे। दिस इज विशाल द यंग लैड हु रन्स इट, एंड इसने मेरा सामान रखा, मेरी बहुत मदद करी। तो कभी सोलांग और पलचान के बीच में तो यहाँ ज़रूर ठहरना, या आपको वो उड़ने वाली चीज़ होती है पैराग्लाइडिंग करा देगा, सब कुछ करा देगा, जितनी जितने शौक आप पाल सकते हो वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन विशाल करा देगा। एंड यहाँ जो मैंने सामान छोड़ा था बाइक पर मैंने लगा दिया। मैं कोशिश करूँगा, अभी भी कोशिश करूँगा डायरेक्ट दिल्ली जाने की, सो दैट आई कैन नेम दिस ब्लॉग चंद्रताल टू दिल्ली। सो चलो सड़क पर मिलेंगे। सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी दैट थिंग अप देयर, वो पत्थर वहाँ से फेंके जा रही है। पिछले 25 मिनट से पुलिस वालों ने ट्रैफिक रुकवा रखा है। वहाँ से जहाँ मेरा सामान पड़ा था इन सोलांग, तो वेदर क्लियर था, जस्ट 30 किलोमीटर्स शॉर्ट ऑफ मंडी इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, सो आई स्टॉप्ड एट वन प्लेस टू पुट द रेन लाइनिंग एंड नाउ आई एम गोना कंटिन्यू। मतलब आया भी बारिश में और जा भी बारिश में रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। ओह फक, पैंट गीली होके साले टाइट हो जाती है, कीचड़ पानी पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, बट कोई बात नहीं। तो गाइस पता नहीं जब मैं आ रहा था ये सड़क आई थी कि नहीं आई थी, बस मैं और साहिल भाई दो अलग अलग हाईवे से आए थे, बट गया मैं कभी अभी आगे देख के बता दूंगा इसका नाम मैं, वरना किसी और को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सम कैरी शिट, मैं यहाँ खड़ा हूँ वहाँ काम कर रहा है, फिसल जाएगा उसकी मशीन के साथ तो मेरे तो लोले हो जाएंगे ना। बारिश रुकी थी कि मैं जैम में आके अटक गया, मतलब जैम ये पत्थर तोड़े हैं इन्होंने या लैंडस्लाइड आई है पता नहीं, बट ये हर थोड़ी थोड़ी दूर पे इकट्ठे कर रहे हैं।
गाइस गूगल मुझे बहुत शेडी रास्ते में ले आया और अब यहाँ पे पॉज हो गया, कनेक्शन लॉस हो गया और घर अभी भी 7:25 हुए है और ऐसे मैं डरता नहीं हूँ, महादेव का भक्त हूँ। तो पिछली थोड़ी देर से मैं इस नाश्ती से जाम में पड़ा फंसा हुआ हूँ और अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये पूरा लाल है। पता नहीं, गूगल में कोई तरीका नहीं है जानने का कि ये कितने किलोमीटर तक लाल है नहीं है। I'm tired, I'm hungry. I've been on the saddle for the last 6 hours. अब एक नून सा बन गया, यू नो, दिल्ली जाना है, घर पहुँचना है, मैडनेस, कंपल्सिव मैडनेस। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम चंद्रताल एट 9 आई थिंक। एंड उसके बाद वो जो आंटी के वहाँ, एक आंटी के वहाँ खाना खाया था पक्की रोड से पहले, वो खाना खाने के बाद अब ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद एट 12:52 मैं खाना खाने रुका हूँ। एंड कॉन्टीन्यूसली आई रोड फॉर 7 आवर्स। 5:45 पे सैडल पे चढ़ा था, 12:45 पे उतरा, अभी 12:53 हो रहे हैं। And I don't know if you can see from the eyes that I need sleep. एक तो in the whole trip I was sleep deprived and अब after waking up at 7 AM and being up my body started to give up. So finally I decided that I'll relax. और क्योंकि वाटर क्रॉसिंग के बाद मैंने वुलन सॉक्स पहनी हुई थी जो सूखी नहीं, पाँव में छाले पड़ गए हैं और सामान इतना टाइटली पैक्ड है कि मैं कोई और सॉक्स निकाल नहीं सकता एंड शूज़ अभी भी गीले हैं। बट गाइस सोच लिया है, अब तो सोच लिया है, तो दिल्ली जाके ही आज राइड एंड होगी। नहीं जाएंगे, दिल भी नहीं।